शास्त्र ने भी लिखा है धर्म रक्षते रक्षता। हम चाहेंगे कि आप इसको जरा लोगों को जरा समझता है। बंद करो तो आप लोग सुन लीजिए, सुन लीजिए। समस्या ये है कि पढ़ाई के लिए हमें टीचर चाहिए, वो भी एक टीचर नहीं, कई टीचर चाहिए, हर सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए। हम खेल कूद करेंगे उसके लिए भी हमें कोच चाहिए। जिम जाएंगे, जिम में भी एक ट्रेनर चाहिए। मतलब हर जगह में हमें टीचर की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आएगी तो वहाँ हमें कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो ये समस्या है। जैसे मैं बता रहा था ना, रिचुअल एंड स्पिरिचुअल, 99% पीपल आर रिचुअल बट दे आर नॉट स्पिरिचुअल। ये कैसे, ये बात कैसे आती है? एक मंदिर में एक पुजारी था, वो पूजा करता था, आरती करता था शाम के समय में। जैसे ही वो आरती करता था कि बिल्ली आके बहुत बड़ा डिस्टर्ब करती थी, तो वो क्या करता था कि आरती से पहले बिल्ली को बांध देता था और फिर आरती करता था। कुछ दिन के बाद उसका, उस पुजारी का बेटा भी वहाँ रहता था, वो देखता था कि पिताजी रोज़ बिल्ली को बांध रहे हैं और आरती कर रहे हैं। तो पुजारी का मृत्यु हो गया, तो बेटा भी शुरू कर दिया, बिल्ली को बांधेगा, आरती करेगा। करते करते बिल्ली भी मर गई। अब बिल्ली मर गई, बेटा ने कहा वो आरती कैसे होगी, बिल्ली के बिना तो आरती हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिताजी जो है वो बांध कर आरती करते थे। फिर बिल्ली को ढूंढा गया, बिल्ली को बंधा गया, फिर जाके आरती चली। दिस इज व्हाट रिचुअल। मेरे बाप दादा सब जो है वो भगवद गीता हमारे घर में है, वो कैसे रखा हुआ है, लाल कपड़े में लपटे हुए रखे हुए हैं उसको। हम, मेरे दादा भी उसको चंदन लगाते थे, फूल लगाते थे, मेरे पिताजी भी चंदन लगाते थे, फूल लगाते थे, और मैं भी लगाता हूँ, और मेरे आगे की पीढ़ी लगाते रहेंगे, लेकिन कोई नहीं खुलेगा, कोई नहीं खुलेगा। दिस इज रिचुअल। इसलिए क्या है कि अगर आपको ज्ञान लेना है, आध्यात्म ज्ञान लेना है, इसके लिए भी चार यूनिवर्सिटी है। कितने यूनिवर्सिटी है? 4 यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको संप्रदाय बोला जाता है। एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के जो फाउंडर आचार्य है वो ब्रह्मा जी है। एक है रुद्र संप्रदाय, जिसका फाउंडर आचार्य शिव जी है। एक है श्री संप्रदाय, जिसका फाउंडर आचार्य लक्ष्मी जी है। और एक है कुमार संप्रदाय, जिसका फाउंडर आचार्य कुमार संप्रदाय है। तो आपको इन इन संप्रदायों से, इन संप्रदायों से आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। इनके संप्रदाय में जो भी गुरु है उनको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप, है ना, आपको परफेक्ट ज्ञान मिलेगा। नहीं तो कोचिंग सेंटर में 3 साल जाके कोई ग्रेजुएट का डिग्री नहीं ले सकता। तो समस्या ये है कि संसार में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं और यूनिवर्सिटी में लोग कम जा रहे हैं, है ना। और हमारे, जैसे आपने कहा रक्षा के बारे में, हमारे शास्त्रों में, है ना, वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है।
तो जैसे नेचर किसी का है वो आध्यात्म में जाएगा, प्रचार करेगा, तो उसको ब्राह्मण बोला जाता है। किसी का नेचर है सुरक्षा करना, मैनेजमेंट करना, वो क्षत्रिय है। किसी का काम है व्यापार करना, कृषि करना, गोपालन करना, वैश्य है। और किसी का नेचर है सबकी सेवा करना, वो उसको शूद्र कहा जाता है। तो ये चार प्रकार के वर्णाश्रम अगर चलाया जाए तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी।